नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। इश्क में कई सिर फिरे आपने देखे होंगे, लेकिन एक महिला पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने किसी का कत्ल कर दिया। मोहब्बत में खूनी खेल खेलने वाली लेडी किलर का राज फाश होगा आज क्रिमिनल्स में। इश्किया की एक और कहानी दिखाएंगे। इस इश्किया में डबल मर्डर हुआ। सुनाएंगे लुटेरे का दुखड़ा भी। बैंक में लूट करने वाला खुद ही लूट का शिकार हो गया। और हां, सोशल मीडिया वाले अनजान दोस्तों से होशियार रहिए। चलती कार में रेप की वारदात आपको भी झकझोर। ऐसी जल्लाद मां के बारे में आपने पहले तो सुना ही नहीं होगा, हम दावे से कह सकते हैं, जो अपने 12 साल के बेटे की हत्या का प्लान बनाती है, उसे अपने साथ सुलाती है, उसके बाद गला घोंटकर बेटे का कत्ल कर देती है, लाश को घर के बगल में फेंककर इत्मीनान से फिर सो जाती है। आखिर कलेजे के टुकड़े का कत्ल क्यों किया गया, खुलासा आपको भी चौंका कर दिया। उसकी आंखों में कैद राज, रोका टोका मार डाला, कलेजे के टुकड़े का कत्ल, मोबाइल में कैद ममता की कातिल, इश्क पर बेटा कुर्बान, मां सुनाए मौत की लोरी। 12 साल के मासूम आदित्य की लाश उसके ही घर के बगल में मिली। आदित्य के गले पर निशान थे, गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। हैरानी की बात थी कि घर के बगल में निर्माणाधीन घर में बच्चे की लाश मिली। क्या कोई परिवार का दुश्मन था जिसने आदित्य की जान लेकर बदला लिया? रीवा के पनवार थाना इलाके के नास्टी गमा में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस कत्ल का सबसे अहम सुराग मिला मोबाइल की कॉल डिटेल से। 15 तारीख की शाम की घटना है। एक गांव है नष्टी गवा, वहाँ पे एक 13 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसी सूचना आई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे तो बच्चा घर के बगल में, उसके कपड़ा पड़ा हुआ था, पड़ा था। उसके बाद हमने FSL टीम बुलाई और सब कुछ PM कराया तो गला दबाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। सबसे पहले चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। आदित्य की हत्या बाहर नहीं बल्कि उसके घर में हुई थी, यानी कातिल बच्चे का कोई अपना ही है। दूसरा चौंकाने वाला खुलासा, हत्या की मास्टरमाइंड आदित्य की मां रानी गुप्ता निकली, जिसने वारदात से पहले करीब 2.5 घंटे तक प्लान बनाया कि कैसे वो अपने बेटे को मारे। कलेजे के टुकड़े के लिए उसने रात का वक्त चुना। आरोपी मां रानी ने बच्चे को अपने पास सुलाया और फिर उसे सुनाई मौत की लोरी, गमछे से गला घोंटकर अपने बेटे आदित्य की हत्या की। उसके बाद बेटे की लाश को ठिकाने लगाया, बगल में लाश फेंक आई। उसके बाद SP साहब और सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और इस हत्या गला दबाने से पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मां का कलेजा बिल्कुल नहीं कांपा। दरअसल आरोपी मां रानी के चेहरे से शराफत का मुखौटा तब हटा जब उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। रानी अक्सर इस शख्स से घंटों घंटों लंबी बातें करती थी। पुलिस का शक गहराया और कत्ल के पीछे की कहानी सामने आई
रानी के नाजायज इश्क की। इसमें आरोपी मृतक बच्चे की मां निकली और उसका एक सहयोगी जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी पाई गई। इस तरह से इन लोगों ने बड़े गहनता से जांच की और इस हत्या का खुलासा किया। बच्चे की हत्या की वजह क्या थी? वो इनके इलिसिट रिलेशन में बीच में आता था, रोक टोक कर। एक मां की ममता ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब उसके नाजायज इश्क में बेटा रास्ते का कांटा बन गया। आदित्य इस इश्क का राज जान गया था, जो मां को रोकता था, टोकता था, जिसकी उसे सजा मिली, सजाए मौत। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने का शौक रखते हैं तो सावधान रहिए। 14 साल की उस नाबालिग लड़की ने भी दोस्ती की, दोस्तों के साथ घूमने गई और फिर जो हुआ वो होश उड़ा गई। कार में हुई दरिंदगी की वारदात। कार में हैवान, फ्रेंडशिप फरेब, दोस्त दगाबाज। चलती कार में दरिंदगी, मोबाइल में कैद वहशीपन का राज। बदनामी का डर, ब्लैकमेलिंग वाली चाल, सलाखों में ब्लैकमेलर। ऐसी फ्रेंडशिप से सावधान। ये कहानी है उस फ्रेंडशिप की जिस दोस्ती के रिश्ते का सच दहलाने वाला है। 14 साल की नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से हुई। दोनों के बीच बातें होने लगी, चैटिंग शुरू हुई, लेकिन दोस्त के दिल में शैतान छुपा है। इस बात का शक उस लड़की को नहीं हुआ। सोशल मीडिया फ्रेंड अंकेश ने अपने दूसरे दोस्त कृष्णा से लड़की की दोस्ती करवाई। दोस्ती के चलते लड़की की मुलाकात कृष्णा से हुई। दोस्ती के नाते एक बार फिर कृष्णा ने मिलने बुलाया। थाने में एक 13 वर्षीय 9th क्लास की छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका जो है एक वर्ष पूर्व एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़की नोड थाना है वहाँ के लड़के से उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी और उसने फिर एक दूसरे लड़के से उसकी फ्रेंडशिप करा दी और उनकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हो गई। उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। दोस्त कार लेकर आया था, लड़की से जिद की वो उसके साथ चले। ये भी कहा दोस्ती के रिश्ते पर शक क्यों। लड़की अपने दोस्त की बातों में आ गई। कार में अंकेश, कृष्णा और उनका एक और दोस्त मौजूद था। घुमाने के बहाने लड़की को अपने साथ कार में ले गए। हाईवे के पास चलती कार में लड़की के साथ हैवानियत हुई। लड़की का आरोप है उसके एक दोस्त ने उसकी अस्मत को लूटा। एक जून को जो है वो दोनों लड़के और एक उनका तीसरा साथी फोर्ड कंपनी की कार लेके उसके गांव मोहना में आए और उसको मिलने के लिए बुलाया और उसको कार में जबरदस्ती घुमाने का बहाना करके ले गए उसकी इच्छा के विरुद्ध। और एक साथ उनका जो साथी था उसने पीछे बैठा था, दो एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एक ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार में दरिंदगी हो रही थी। एक दोस्त रिश्ते में दगा कर रहा था और दूसरा दोस्त इस दरिंदगी का वीडियो मोबाइल में कैद कर रहा था। उसके बाद अश्लील वीडियो को लेकर लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीछे वाले ने उसके साथ में जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और एक ने उसका वीडियो बनाया और एक ड्राइव करता था। इसके बाद उसको लगातार वीडियो के आधार पर धमकी देकर फिर बुला रहे थे तो उसने अपने मोबाइल वगैरह बंद कर दिए थे। एक जून को ये वारदात हुई।
डर के मारे लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। बदनामी का डर दिखाकर लड़की को मिलने बुलाया, लेकिन लड़की के इनकार के बाद वीडियो परिवार वालों को भेज दिया, तब जाकर ये राज खुला। इन लोगों ने जब उसने बात नहीं मानी तो इसका जो है वीडियो वायरल कर दिया। जब उसको और उसके परिजनों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण को चूंकि गंभीरता से लिया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, एसपी साहब द्वारा, उसमें टीम बनाई गई, गंभीर उसमें बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी गणों के लिए अलग से टीम तत्काल रवाना की गई। उसमें से जो दो आरोपी हैं, मेन आरोपी जो है जिसने दुष्कर्म किया और जो उसके साथी हैं, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में दो दोस्त गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्ती में दगाबाजी की वारदात कह रही है ऐसी सोशल मीडिया फ्रेंडशिप से सावधान। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में महिला अकेली थी, उसके बाद किसी की घर में एंट्री हुई। इस एंट्री के बाद तीसरा शख्स घर में दाखिल हुआ और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देगा। घर में सुनाई थी चीखें, महिला का बेरहमी से मर्डर हुआ, महिला के साथ ही किसी और की भी हत्या की गई। आखिर डबल मर्डर की मिस्ट्री क्या है, देखिए इधर इश्कियां उधर इंतकाम। घर में प्रेमी की एंट्री, मचा बवाल। कुल्हाड़ी से नफरत का वार, शौहर का इंतकाम, बीवी का काम तमाम। बीवी के प्रेमी की ली जान, घर में खूनी खेल, दतिया में डबल मर्डर, इधर इश्कियां उधर इंतकाम। इस घर में मौत ने तांडव किया, घर में खूनी खेल खेला गया, नफरत और इंतकाम की कहानी। घर में खून के ये निशान बता रहे हैं कि किस तरह से हत्यारे ने बदला लिया होगा। खाट पर एक महिला की लाश पड़ी है और इसी घर में एक और शख्स मिला, उस पर भी जानलेवा हमला किया गया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, यानी यहाँ डबल मर्डर हुआ। दतिया के सिविल लाइन थाना इलाके के बाईपास रोड के पास खाती बाबा कॉलोनी में वहशीपन हुआ। मरने वाली महिला का नाम पूजा है। पूजा की कुल्हाड़ी से वार करके बहरेमी से हत्या कर दी गई। पूजा के प्रेमी को भी मौत के घाट उतारा गया। इसमें आरोपी को अभिलक्षण में ले लिया गया है। जैसा कि मामला संज्ञान में आया है कि पति को अपनी पत्नी पर पहले से शक था। आखिर ये खूनी खेल किसने खेला और क्यों, तो इस पूरी कहानी में है शौहर का इंतकाम। दरअसल पूजा के पति को पत्नी पर शक था, जो सब्जी लेने बाहर गया। इधर पति बाहर निकला, उधर तफ्तीश में ये बात सामने आई कि घर में तथाकथित प्रेमी की एंट्री हुई। इस बात की खबर किसी ने महिला के पति को दे दी। महिला का पति फौरन घर लौटा और पत्नी को प्रेमी के साथ देखकर आग बबूला हो गया। वो सब्जी लेने के लिए गया, उसको ऐसा लगा कि शायद घर पे वो व्यक्ति पहुंचा है, जिस पर से वो वापस आया। तत्काल को देखा, एक कमरे में पति पत्नी, उस पत्नी और वो अन्य लड़का जो था वो कमरे पे थे, जिसपे इसने कुल्हाड़ी, जैसा बताया गया है, कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के और उस तथाकथित जो प्रेमी है। उसके बाद अपने ही घर में उसने खूनी खेल खेला, रिश्तों के कत्ल और दगाबाजी में लिखी गई खूनी कहानी। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको लुटेरे का दर्द सुनाते हैं, जो पुलिस वालों के सामने दुखड़ा रो रहा है। बैंक में डाका डालने वाला लुटेरा खुद लूट की वारदात का शिकार हो गया। बैंक में हुई लूट की कहानी भी अजब है।
आखिर क्या है ये फिल्मी लूट, आइए देखते हैं। एमपी में लूट, यूपी में हुआ शिकार। मैंने मुंबई में शूटआउट एट बैंक। खेत में लुटेरे के खर्राटे। शिकारी खुद शिकार हो गया। लुटेरे के साथ लूट। नौकरी से निकाला, बैंक लूट डाला। ये सीसीटीवी फुटेज जितना होश उड़ाने वाला है उससे ज्यादा हैरान करने वाली इस लुटेरे की कहानी। तीन दिन से इंदौर पुलिस स्कीम नंबर 54 में बैंक में लाइसेंसी बंदूक से लूट करने वाले इस लुटेरे की तलाश कर रही थी, जिसकी लोकेशन यूपी के एटा में मिली। खिर्रई गांव में लुटेरा अरुण कुमार सिंह मामा के खेत में सो रहा था, खर्राटे मार रहा था, तब पुलिस ने उसे नींद से जगाया। अब लुटेरे के होड़ चुके हैं। लूट के पीछे जो कहानी सामने आई उससे पहले सुनिए कि कैसे लुटेरे ने अपना दर्द सुनाया। जी, एक काफ़ी सेंसिटिव मामला अभी पिछले कुछ दिनों में थाना विजयनगर क्षेत्र में हुआ था, जिसमें स्कीम 54 में उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बंदूक का डर दिखा करके लूट करी गई थी, जिसको 12 घंटे के अंदर में इंदौर पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। उसके घर से काफ़ी सारा जो सामान था जो कि अपराध में इस्तेमाल किया गया था। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके में लूट करने वाले बर्खास्त फौजी और सिक्योरिटी गार्ड खुद अरुण पुलिस वालों को अपना दुखड़ा सुनाने लगा। वारदात के बाद लुटेरा अरुण लूट की कुछ रकम बीवी के पास छोड़कर यूपी फरार हो गया था। लूट की रकम से आरोपी की पत्नी ने टीवी खरीदा। इधर लुटेरा अरुण बस से यूपी गया, आगरा होते हुए मैनपुरी, लेकिन उसने जो पुलिस वालों को कहानी सुनाई उसके मुताबिक उसे यूपी के बदमाशों ने लूट लिया और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए बचे हैं। तो जो मुख्य आरोपी था जिसने घटना करी थी वह फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में इंदौर पुलिस की टीमें कई जिलों में गई थी, अलग अलग राज्यों में गई हुई थी, जिसके बाद में कल इन यूपी के एटा जिले में जो उसका गृह जिला भी है वहाँ पर अपने मामा के घर में उसकी मौजूदगी पाई गई। मुखबिरों के सूत्रों के अनुसार जब उसको देखा गया तो वहाँ उसको हिरासत में लिया गया। दरअसल इंदौर में तीन दिन पहले दिन दहाड़े लाइसेंसी बंदूक के दम पर बैंक में घुसकर अरुण ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, फायर किया था। सवाल है कि आखिर लूट के पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे कर्ज की कहानी थी, लेकिन लुटेरे का बदलापुर भी था। दरअसल अरुण ओरिएंटल बैंक में गार्ड था, वहां उसके पास 315 बोर की बंदूक थी। बाद में ओरिएंटल बैंक का पीएनबी में मर्ज हो गया। नौकरी के लिए शर्त थी 12 बोर की बंदूक। 12 बोर की बंदूक नहीं होने पर अरुण को नौकरी से हटा दिया गया। ये ऐसा बताया गया है कि जो पैसा लूटा गया था उसका इस्तेमाल करके लोटस के शोरूम से एक टीवी खरीदी गई है, उसको वेरीफाई करने के बाद में अगर ऐसा सत्य पाया जाएगा तो उसके हम उसको भी जब्ती मिली। जिस बंदूक के लिए नौकरी से हटाया गया उसी बंदूक से फायर कर लुटेरे अरुण ने दहशत फैलाई थी। लुटेरे की लूट की कहानी पर भी पुलिस को फिलहाल शक है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब साइबर ठगों ने एक ऐसा कारनामा किया जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक हैरान पड़ी। ठगों ने साइट हैक कर आईडी और पासवर्ड क्रैक किया और 10 लाख से ज्यादा के एयर टिकट बेच डाले। नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक हैरान करने वाला कांड किया है। साइबर ठगों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक के होश उड़ गए हैं। दरअसल एंटरटेनमेंट कंपनी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैक कर एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के 10,50,000 रुपए के ऑनलाइन टिकट बेच दिए गए हैं।
ताजा मामला सामने आया है वो एक निजी रेडियो कंपनी से स्पाइसजेट कंपनी का करार हुआ था जिसके तहत इम्प्लॉयज को आईडी पासवर्ड दिया गया था और उसके तहत कॉरपोरेट बुकिंग होनी थी एयर टिकट की, लेकिन इन सब के बीच साइबर ठगों ने निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की टिकट बुक करा के यात्री को यात्रा भी करा दी गई। नोएडा के सेक्टर 16 में मौजूद कंपनी ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के मुताबिक कंपनी का स्पाइस जेट के साथ समझौता, एफएम चैनलों पर विज्ञापन की सहमति थी, इसके बदले 45 लाख के एयर टिकट का समझौता एयर टिकट कर्मचारियों पेशेवरों को बुक करना था। कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा में फ्रॉड का खुलासा, साइबर फ्रॉड कर एयर टिकटों की बुकिंग। हवाई यात्रा करने वाले यात्री ना तो कंपनी के कर्मचारी थे और ना ही कंपनी से जुड़े मेहमान थे। आशंका जताई जा रही है कि जालसाजों ने बुकिंग के लिए पासवर्ड क्रैक कर इस साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है। फिलहाल जब ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है तो अब मुकदमा दर्ज किया गया और इस समय हम साइबर क्राइम थाने के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो करार हुआ था उसके तहत एडवर्टीजमेंट करना था और उसके एवज में कॉरपोरेट बुकिंग करानी थी, लेकिन इन सब के बीच जालसाजों ने आईडी और पासवर्ड के तहत वेबसाइट को हैक कर लिया, टिकट्स कॉरपोरेट रेट पर खरीदी और उसके बाद उसे नॉर्मल रेट पर बेच दिया गया। फिलहाल साइबर क्राइम थाने ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी और यात्री जिन्होंने यात्रा की थी उनकी डिटेल ली जा रही, किन बैंक अकाउंट्स में पैसा दिया गया, इन तमाम डिटेल्स को अभी इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही फिल्म सिटी स्थित कंपनी को इस फर्जीवाड़े का पता चला तब स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी की टीम को जानकारी दी गई। शिकायत के बाद साइबर टीम भी टिकट कराने वाले हैकर की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही, खबरें जारी।